से जो हम लोग चाहते हैं कि सरकार जिसकी मंशा यह थी कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक पारदर्शिता जो है सरकारी विभागों में सरकारी कार्य प्रणाली में जो है आएगी वह देखने में अभी तक लागू नहीं हो रही है। और खासकर हम लोग ये भी मांग करते हैं कि विसल ब्लोअर जो एक्ट है जो मनमोहन सिंह सरकार के समय जो पारित हो गया है परंतु वह उसका क्रियान्वयन जो है आज तक 4 साल बीत गए नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र गुजरात सहित अन्य राज्यों में जिस प्रकार से आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं, हमले हो रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, तो विसल ब्लोअर एक्ट लागू करें। और जो अभी हाल फिलहाल जैसे कि सरकार की मंशा है कि कोई आरटीआई कार्यकर्ता की अगर मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, तो उसको जानकारी उपलब्ध कराने सरकार बाध्य नहीं। तो देखिए, यह एक प्रकार से बहुत बड़ी साजिश है, सूचना का अधिकार अधिनियम करने की, मोदी सरकार की साजिश है सूचना का अधिकार अधिनियम खत्म करने की। तो दस्तावेज जो है आरटीआई कार्यकर्ता की मृत्यु या हत्या हो जाने के बाद भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया, उसको पब्लिक डोमेन में सरकार डाले। प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएमओ है आरटीआई के मामले में आज बहुत वीक है, पीएमओ जानकारी नहीं देता। और सबसे दुखदायी बात आज के दिन यह है कि भारत सूचना तंत्र में सूचना उपलब्ध कराने में आज अफगानिस्तान से भी पीछे है। तो यह इतनी विपरीत परिस्थितियां निर्मित होगी और मैं चाहता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी हम लोग जो है सुलझाएं और सरकार उसको जो है अन्य मामलों की तरह उसमें ध्यान दें और पारदर्शिता लागू करें। धन्यवाद।